केवल अखंड भारत की बात नहीं हो रही, आजकल G20 की बैठक को लेकर भी चारों तरफ चर्चा हो रही है। दिल्ली में इसकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। सुषमा स्वराज भवन में भी पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएमओ, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। आज हम आपको बताएंगे कि G20 की इस बैठक से देश को आखिर क्या फायदा होने वाला है। अभेद्य किले में तब्दील किया जा रहा है दिल्ली के उस हिस्से को, जहां पर वैश्विक उत्सव होने वाला है, जहां पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति आने वाले हैं, जहां 9 राष्ट्राध्यक्ष और करीब 100 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमान जुटने वाले हैं, जिनके स्वागत के लिए दिल्ली सज रही है, अपनी भव्यता की पराकाष्ठा पर इतरा रही है। इस मेजबानी के माध्यम से न केवल हम दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं और दुनिया को आज मानने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि भारत की विशेषताओं को किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के नागरिकों के साथ मिल करके आगे बढ़ा रहे हैं। हर किसी का उत्साह अति पर है, गौरवान्वित करने वाले इस पल की व्याख्या की जा रही है, लेकिन सवाल है कि इससे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है, ये हम बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि जहां G20 की बैठक होने वाली है, जहां दुनिया भर के नेता ठहरने वाले हैं, वहां सुरक्षा सख्त है। जिस तरीके से चाइना का इंटरनेशनल आइसोलेशन बढ़ रहा है, शी जिनपिंग G20 की बैठक से जिस तरीके से उन्होंने अपनी अनुपस्थिति रखी है, उससे जाहिर है कि चाइना एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस से जूझ रहा है। ऐसे में जो वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन्स हैं वो चाइना से विड्रा हो रही हैं, और वो अब जाहिर है कि भारत की बढ़ती हुई क्रेडिबिलिटी और साख की वजह से, भारत में बढ़ते हुए सुविधाओं की वजह से, वो भारत में अपने निवेश को और अधिक बढ़ाएंगी। अब जरा समझिए कि किस तरह धरती से आसमान तक निगहबानी होगी। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। NSG कमांडोज, CRPF, CAPF और आर्मी के करीब 80,000 जवान तैनात हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, फाइटर जेट राफेल, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर सिक्योरिटी सिस्टम भी पोजीशन ले चुके हैं। हिंडन एयरबेस अंबाला, सिरसा, भटिंडा डिफेंस एयरबेस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक होटलों के अंदर हथियार रखे गए हैं, गोलियां रखी गई हैं, दवाइयां रखी गई हैं, स्मोक ग्रेनेड रखे गए हैं, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम है। G20 की बैठक के लिए दिल्ली में जो ऐतिहासिक व्यवस्था की गई है, उसके लिए सरकार ने 990 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सवाल है कि इस भारी भरकम खर्च से देश को क्या फायदा होगा। लोगों को अच्छा तजुर्बा होगा, अनुभव होगा, भारत की जो जो सामाजिक स्थिति है, भारत की जो मेहमान नवाजी है, इससे प्रभावित होकर लोग जाएंगे। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था पर, भारत के संभावनाओं पर, जो आर्थिक और राजनीतिक संभावनाएं हैं, उनका एक तरह से दोहन किया जा सकेगा, भारत की आमूल छवि पर परिवर्तन हो सकता है। जानकारों की माने तो कई स्तर पर इस बैठक का फायदा होने वाला है। मसलन सदस्य देश से संबंध मजबूत होंगे, आतंक के खिलाफ साझा रणनीति बनेगी, रक्षा के क्षेत्र में नए समझौतों की उम्मीद है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रास्ते बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होगी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका हिंदुस्तान चीन के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। जिस तरीके से चाइना का इंटरनेशनल आइसोलेशन बढ़ रहा है, शी जिनपिंग G20 की बैठक से जिस तरीके से उन्होंने अपनी अनुपस्थिति रखी है, उससे जाहिर है कि चाइना एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस से जूझ रहा है।
ऐसे में जो वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन्स हैं वो चाइना से विड्रा हो रही हैं, और वो अब जाहिर है कि भारत की बढ़ती हुई क्रेडिबिलिटी और साख की वजह से, भारत में बढ़ते हुए सुविधाओं की वजह से वो भारत में अपने निवेश को और अधिक बढ़ाएंगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद पर नजर है। आसियान की बैठक से लौटकर पीएम मोदी खुद निरीक्षण कर रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।